लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है राजेंद्र नगर पीएस लिमिट से। राजेंद्र नगर में रहने वाला एक औरत के तलाक के सिलसिले में उसके शोहर को बुलाते हैं और पैसों की डिमांड भी करते हैं, इस तरह से उसके शोहर का कहना है। तो बहरहाल उसको बुलाते हैं, उसे 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, फिर उसके बाद खुला के पेपरों पे साइन करने की मांग करते हैं। खैर, ये जाते हैं जनाब, पैसे लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं क्योंकि पैसों का तो प्रूफ नहीं है, लेकिन ये शख्स का ये कहना है कि इनको राजेंद्र नगर 9 नंबर पर बुलाकर इनसे जो है खुला के पेपरों पर साइन लेकर इनसे 2 लाख रुपये लेकर बदले में इनको लाद भी दे दिए। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया। तो बहरहाल आइए राजेंद्र नगर से ये शख्स की दुख भरी दास्तान उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख आरिफ है, मैं रियासत नगर का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी ने बोला 1 महीना पहले ही जैसे सामान ले लेकर चले गए, खुला ले लेती हूँ बोल के। फिर खुला के वास्ते यहाँ पे राजेंद्र नगर 9 नंबर पहाड़ी को बुलाए साइन ऑफ करने के लिए। साइन ऑफ लेने के लिए 2 लाख की डिमांड करे, 2 लाख देने के बाद साइन लेने के बाद पूरा होने के बाद। कहाँ बुलाए थे आपको? राजेंद्र नगर। किसके पास बुलाए? 9 नंबर पहाड़ी किशन पास। किधर बुलाए? ससुराल के घर के पास। और कहाँ पे खाना लिया आपके? साइन ऑफ खाजी के पास लिए। खाजी के पास बुलाए थे। खाजी के पास पैसे कैश हैंडओवर करने के बाद ऑफिस से नीचे उतरने के बाद मेरे ऊपर अटैक कर रहे 15 से 20 जने लोग मुझ पर मारे, राडों से मारे, निकल पंचों से मारे, बहुत मारे। 2 लाख लेने के बाद फिर जैसे उनके ससुरे में छोड़ता हूँ बोल के साथ बैठे थे पीछे। बैठने के बाद नीचे डाउन उतरते किचन बाग कुछ डाउन उतरते A1 मैकेनिक दुकान है वहाँ पे रोके पैसे लेना है बोल के। पीछे से उनके बेटे आ रहे थे बोल के रुका दिए मेरे को। फिर वहाँ पे भी और मारे मेरे को, वहाँ पे सरदार जी लगा मेरे को बचाए वहाँ पे, और मेरे भाई इस्माइल भाई उन्होंने भी बचाए मेरे को। मैं तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी 2014 में हुई थी, और मेरी बीवी जैसा 4-4 महीने 6-6 महीने ऐसा चले जाते थे और जान से फंसाती हूँ ये करती हूँ बोल के धमकी देते थे। 2 बार एक बार केरोसिन डाल लिए थे फर्स्ट टाइम, खानदान वालों को बुला के कंप्रोमाइज़ कराए थे, तो गलत है ये, गलत है बच्ची, गलत करी बोल के बोले थे। फिर बाद में दूसरी बार मेरे वालिद को ब्रेन कैंसर हो गया था, तो उस बीच में भी मैं उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था वालिद को टेंशन नहीं देने का है, तो उस बीच में भी लड़ाई हुई थी, बहस कर लिए थे, केरोसिन डाल लिए थे। दूसरी बार केस करने गए थे, नहीं मैं बोला कि घर का मसला है, बाहर नहीं जाना बोल के दबा दिया थे, वहाँ पे केस वापस रिटर्न ले लिया। कितने जने मिल गए हमारे आप? 20 से 25 जने मिल गए हमारे। क्या नाम है उन लोग के? शेख इस्माइल है, शेख जावेद है, शेख जब्बार है, शेख जाफर है, शेख इस्माइल है, और लोगों के दोस्त है। आप कैसे जा रहे थे? आप गाड़ी पे जाना है। किसके साथ जा रहे थे? 2 भाइयाँ हैं मेरे, हमारे मेरे ससुरे के साथ जा रहे थे। ससुरे घर तक छोड़ते बोले थे मेरे को, उन्होंने भी प्लानिंग करके रस्ते में रुकाए। ससुरे भी घर तक छोड़ता हूँ बोल के साथ चले, मगर बीच रोड में रुका के फिर बेटों को बुला के मारने लगा है। और तो खुला लेने की वजह? वजह छोटे छोटे मसलों को भाइयों को बुलाते थे घर पे, धमकी देते थे, बहस करते थे, बहन को ले लेके चले जाते थे घर को, 4-4 महीने 6-6 महीने रख लेते। बीच में मेरी बीवी ने डिवोर्स होना बोल के फाइल करे थे कोर्ट में, तो मैं नहीं दे। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।